हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अशोक लीलैंड इंडियन ट्रक मोड को UCBID गेम में कैसे ऐड कर सकते हैं, उस टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के घंटे को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, सर्च करना है मोड और यू। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप पहले लिंक पर क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। थोड़ा लोडिंग का टाइम लेगा, फिर आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। इसमें आप फॉर्च्यूनर का ऐड भी ले कर सकते हैं, मोड, बस का मोड, अलग अलग मोड मिलते रहेंगे आपको। यह अशोक लीलैंड इतनी 18 टॉपिक प्रो मोड है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐड प्रदर्शित होगी, इस ऐड को आपको काट लेना है। ऐड को काट लेने के बाद आपके सामने थोड़ा लोडिंग का टाइम लेगा और आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहना है। स्क्रॉल डाउन करते रहने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने थोड़ा लोडिंग का टाइम लेगा और आपके सामने डाउनलोड लिंक प्रदर्शित करेगा। फिर से आपको वापस स्क्रॉल डाउन करते रहना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको बताना है कि आई एम ए नॉट रोबोट, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के एक कन्फर्म डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्रकार डाउनलोड कन्फर्म डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 5 सेकेंड तक वेट कर लेना है। जैसे ही 5 सेकेंड ख़त्म होंगे तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड करने के बाद आपको, मेरे तो अभी डाउनलोड है तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फाइल मैनेजर ओपन करेंगे तो यहाँ इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा। तो जो फाइल आपने डाउनलोड की है वहाँ पर क्लिक करें। मैं डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो आपने ट्रक डाउनलोड किया है उस ट्रक को आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट हियर करना होगा। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ये फाइल है तो इसके ऊपर यहाँ से क्लिक करे रखना है। फिर यहाँ से कॉपी करके आप वापस एक गेम का BUSSID नाम से एक फोल्डर होगा उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको मोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पेस्ट कर लेनी है। फिर वापस आपको रिप्लेस कर देना है। ऐसे रिप्लेस करने के बाद आपके सामने वो गेम को प्ले करना होगा। जैसे आप गेम को प्ले करेंगे तो आपके सामने थोड़ा लोडिंग का टाइम लेगा। लोडिंग पूरी हो जाने के बाद आपके सामने मोड प्रदर्शित किया जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपको यहाँ गैरेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गैरेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मोड आपने वहाँ फाइल में पेस्ट किया है वो मोड प्रदर्शित हो जाएगा। यदि मोड प्रदर्शित नहीं होता है तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताएँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ।